अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। चैप्टर 2 डेरिवेटिव के ऊपर वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें आज मैं एक्सरसाइज 2.6 पे मौजूद हूं। आप लोगों ने यहां पे जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी लास्ट की जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, वो उसमें जो एक्सपोनेंशियल था या लॉगरिथमिक फंक्शन था उसका डेरिवेटिव बता दिया था। तो आज जो मैंने डेरिवेटिव निकालना है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो आज के क्वेश्चन में आप लोग इसी चीज़ सीखेंगे। देखिए, आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि टेकिंग डेरिवेटिव। जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये एफ है तो क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम यही होता है। मैं यहाँ पे उसको सेंस में भी बता देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ जो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स होता है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होता है, और बाद में जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेप एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये उसी तरह आ जाएगा। फिर आपने इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन आ जाता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन उसी तरह आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे दो टर्म यूज़ हो रही है, अंडर रूट एक्स और माइनस वन, माइनस वन कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसको पावर रूल की तरफ लेके आएंगे तो 1/2 स्टार्ट में लेके आएंगे, इसमें से एक पावर कम करेंगे तो -1/2, और ये जो माइनस है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। तो मैं अब इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 1/2, इस जो पावर है -1/2 है बटे के नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी 1/2 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स और माइनस क्या आ जाता है 1। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दूसरा पार्ट इसका अटेम्प्ट कर देता हूँ, सेम इसी तरह ही है जो इसका सेकंड पार्ट है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया गया है एक्स क्यूब और साथ है एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x। तो हमने इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, आप फिर से यहाँ पे लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। और यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक अलजेब्रिक जो है फंक्शन और दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी दो अपोजिट फंक्शन आते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल में जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ दिया जाता है, एक्स क्यूब को मैंने छोड़ देना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर 1/x, और इसके इन बिटवीन क्या आ जाते हैं प्लस, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया आप की बार उसको छोड़ देंगे, और जिसको फर्स्ट छोड़ दिया था उसका आपने क्या ले लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं एक्स क्यूब और एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो वही होता है, लेकिन आपको इसकी जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप ये कर देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x, और बजाय कि मैं 1/x लिखूँ एक्स को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या बन जाता है, एक्स पावर माइनस वन प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x उसी तरह रहेगा, और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आ जाता है, 3x² आ जाता है। यहाँ पे आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जो एक्स है वो यहाँ से कॉमन निकालें, साथ x² भी कॉमन निकालें बेशक। चलिए मैं एक स्टेप ये कर देता हूँ कि एक्स क्यूब उसी तरह रहेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x, और आप जानते हैं कि एक्स इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है -1 को आप शुरू में लेके आओगे और इसमें से एक पावर कम करेंगे तो माइनस का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और बाकी ये सारी की सारी टर्म उसी तरह आ जाएगी, 3x² एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x आ जाता है। तो यहाँ पे आप जितनी चीज़ें कॉमन निकाल सकते हो वो निकाल लें। यहाँ पे देखो तो एक्स की ताकत -2 है, इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेके आएंगे तो यकीनन क्या बन जाएगा, x², और दो टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्स है यहाँ, यानी एक स्टेप में मज़ीद ये कर देता हूँ कि एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x, और ये आ जाएगा प्लस 3x² एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x। तो यहाँ पे एक तो एक्स को भी कॉमन निकाल सकते हैं, साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x को भी कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर रह जाएगा -1 प्लस 3 और साथ क्या आ जाता है एक्स। तो व्यूअर्स, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तीसरे पार्ट में भी यही टर्म हमसे पूछी जाएगी,
तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, यानी एक्स एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इन टू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे भी देखो तो दो अलग अलग फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल का है तो दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा करें कि प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं कि इस साइड पे क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को आपने छोड़ देना है, किसका डेरिवेटिव लेना है वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, इन बिटवीन प्लस आ जाएगा, और आपकी बार वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को आपने छोड़ देना है, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डेरिवेटिव से पहले है। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ना दो टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वन के ऊपर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर हो रहा है। तो वन का जो डेरिवेटिव होता है कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है वन ओवर एक्स, और प्लस के साथ ये वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स उसी तरह रहेगा। और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वही होता है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वन ओवर एक्स प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रह जाएगा। आप एक स्टेप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, हमारे पास वो क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट फोर है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, पार्ट नंबर फाइव की तरफ बढ़ता हूँ। पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव में हमसे डिमांड की गई है कि कोई भी फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर हम सपोज कर लेते हैं। वो क्या कहता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। तो जी हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसका भी वही पुराना तरीकाकार होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सारे का सारा जो है इसको आपने यानी एक्स के तौर पे कंसिडर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें बता देता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वो होता है वन ओवर एक्स। इस सारे टर्म को कंसिडर कीजिएगा, एक्स तो हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा वन ओवर एक्स। तो हमारे पास एक्स की जगह पे क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, लेकिन जब आप इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल का। तो यानी इसको मैंने कंसिडर कर लिया था एक्स तो वन ओवर एक्स, और दोबारा एक्स का डेरिवेटिव ले लिया है, तो आप सिंपली वन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स अब की बार इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, ये अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वही आ जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो भी वही आ जाएगा, लेकिन जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ क्या आ जाएगा माइनस, वो माइनस मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब आपने इनको इसके साथ ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जिसमें माइनस होती है वो साइन होता है, जिसमें प्लस होता है वो क्या होता है कॉस, तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो जिस तरह आप यहाँ पे स्टॉप कर दें ये चीज़ लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका गिवन आंसर है। एक पार्ट मजीद अटैम्प्ट कर देता हूँ, पार्ट नंबर सेवन सिक्स सेवन एट में लास्ट वाला पार्ट आप लोगों के सामने अटैम्प्ट कर देता हूँ। पार्ट नंबर एट, पार्ट नंबर एट में हमसे डिमांड की गई है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ पार्ट नंबर एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्सपोनेंशियल ऑफ टू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ टू एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू एक्स। तो हमने इसको क्या करना है डेरिवेट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आइए इसको हम किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये चीज़ सारी की सारी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दी है, सारे का सारा जो कंसिडर करेंगे इसको एक्स को मान लीजिएगा तो हमारे पास दोनों तरफ से जब डेरिवेटिव करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का यानी फर्स्ट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा वन ओवर
एक्स आ जाएगा, तो ये सारे का सारा एक्स है, इसको दोबारा से वही टर्म लिख दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। अब आप किसका लेते होते हैं, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो मैं इस जजर को डायरेक्ट बटे की फॉर्म में, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये माइनस 2x और ये क्या आ जाता है 1/2, क्योंकि हमें इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ये साथ साथ उसी तरह चलता रहेगा, 1 ओवर हमारे पास एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। आपकी बार देखें तो यहाँ पे 1/2 शुरू में आ जाएगा इसका, जब आप डेरिवेटिव पावर रूल लेंगे तो इसमें से एक पावर कम हो जाती है, 2 ऑफ x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 ऑफ x, इसमें से एक पावर कम करेंगे, 1/2 है, एक पावर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। और आप ये भी जानते हैं कि बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है, मैं यहाँ पे बेस का भी क्या कर लेता हूँ, डेरिवेटिव ले लेता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x आ जाएगा। तो अब इसको आप जानते हैं कि हमारे पास ये माइनस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए बटे के नीचे लेके आएंगे तो सेम टर्म है, ये चीज़ आ जाएगी, यानी 1/2 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, और ये भी जज़र है, इसको भी जब बटे के नीचे लेके आएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा, दोनों सेम टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो जज़र का स्क्वायर आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x कर देता हूँ, क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे थे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x का डेरिवेटिव वही आ जाएगा, जब आप एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x का लेंगे तो माइनस 2x साथ आ जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव लेंगे माइनस 2x का लेंगे, वैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x का लेंगे तो साथ मतलब 2 भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2। आप यहाँ से जो 2 है उसको कॉमन रख लीजिएगा, मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/2 भी मौजूद है, और ये टर्म ऊपर आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स 2x और एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय ये जो टर्म हमारे पास मौजूद है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x और 2 के साथ कैंसिल आउट। तो जी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जानते हैं कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो साइन ओवर कॉस के फॉर्म में आएगा, साइन हाइपरबोलिक नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2 हाइपरबोलिक ऑफ x और कॉस 2 हाइपरबोलिक ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक ऑफ 2x, जो कि किसके बराबर होता है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो पहले क्वेश्चन के ऊपर था। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।